हत्या के 3 महीने बाद भी नहीं गिरफ्तार किए गए हत्यारे अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है पीड़िता। न्याय की गुहार लगाते हुए परेशान हुई पीड़िता। आला अधिकारियों से न्याय नहीं बल्कि पीड़िता को मिलता है तो बस आश्वासन। बीते 3 महीने पीड़िता के पति के सर पर फावड़े से वार कर हत्या कर दी गई थी। तब से अब तक पीड़िता और उसके बच्चे आला अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान हैं, लेकिन उन्हें अब तक नहीं मिला न्याय। मामला है हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे के साजन तालाब निवासी मुख्तार अहमद की एक सोची समझी साजिश के तहत 1 फरवरी को उसी के पड़ोसी लल्लू उर्फ मंसूर और सद्दाम ने फावड़े से वार कर उस पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बाद कानपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान मुख्तार अहमद लाला की मृत्यु हो गई और अब तक नामजद अभियुक्तों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही विवेचनाधिकारी के साथ मिलकर पीड़िता के अतीत की जानकारी की जा रही, उस पर लांछन लगाया जा रहा, किसी और अज्ञात व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने के भी झूठे आरोप लगाए जा रहे। हत्यारे पीड़िता को आत्महत्या करने पर किया जा रहा मजबूर। पुलिस महानिरीक्षक के संज्ञान में मामला होने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हत्या आरोपी। डीआईजी से क्या किस समस्या को लेकर क्या है मामला? समस्या ये है कि 1 फरवरी को हमारे हस्बैंड का मर्डर हुआ था और वहाँ जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम हर जगह जा रहे हैं, एसपी साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ थाने भी जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जितनी बार भी जाते हैं उन लोग दमन के दिन के लोग हैं, थाने वालों ने पैसा ले लिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कब की घटना है ये? 1 फरवरी की है। जब से भटक रही है? हाँ, जब से कानपुर में 17 दिन भर्ती रहे और कानपुर में 17 तारीख को डेथ हो गई, खत्म हो गए थे। तो कोई मुजरिम पकड़े गए उसे? कोई भी नहीं पकड़ा गया। अच्छा, हत्या कैसे हुई थी? फावड़ा मारा था सर ने। फावड़ा मारा? कौन लोग हैं वो मारने वाले? 2 लोग थे, एक था लल्लू मंसूर जिसने मारा था और एक था सद्दाम, वो घर से लेकर के गया था, साजिश के तहत उन लोग ने मारा था। कितने दिन से आपने भटक रही है तो कोई कार्रवाई नहीं है? एसपी पास गए होंगे वहाँ पे? सब जगह गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मुझे पकड़े नहीं गए। यहाँ क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, जो मुझे ना अपडेट मीडिया के लिए हर्षित गुप्ता की रिपोर्ट।